में स्थित उद्योग भवन में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कृषि उद्योग महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के सहयोग से इस कार्यक्रम के का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई किस्मों के फल, सब्जियां और पौधे रखे गए हैं, जिससे आम लोगों को कृषि से जुड़ी जानकारियां मिल सके और किसान भी बिहार सरकार की कृषि से जुड़ी नीतियों और योजनाओं को समझ सके। मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने जब किसान आंदोलन से जुड़े सवाल पूछे, तब उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर किसानों को बरगला रहे हैं, जबकि बिहार के किसान नए कृषि कानूनों से पूरी तरह सहमत हैं। तरह से पूरी जवाबदेही के साथ हमारे साथ बगल में कृषि विभाग के आदरणीय सचिव महोदय हैं, डायरेक्टर साहब हैं, इन सबके मातहत काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं, सब जी जान से किसी कार्य को आगे बढ़ाने में और किसानों को सहयोग करने में, प्रोत्साहित करने में, जानकारियां देने लगे हुए हैं। और उसी का और वहीं असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा होने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार की शाम गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और असम के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव असम में गैर बीजेपी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि असम में 3 चरणों में और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होने वाले हैं। और वहीं जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव नालंदा जिले में स्थित इस्लामपुर के पनहर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने निशुल्क शिक्षा का उद्घाटन किया। इस दौरान जाप नेता पप्पू यादव ने तंज भरे शब्दों में कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के लगभग विधायक मंत्री 70-80% जनप्रतिनिधि का पैसा शराब माफियाओं में लगा हुआ है। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप क्यों है? उनकी संपत्ति जब्त हो और 6 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल भी हो। चलो चलो चलो, गैस का टैक्स डीजल जब 100 रुपये में बेच सकते हैं, किसानों को मार सकते हो, गैस की सब्सिडी खत्म कर सकते हो, बिजली महंगा कर सकते हो, ट्रेन का भाड़ा महंगा कर सकते हो, तो फिर शराब को 70% टैक्स बढ़ा के क्यों नहीं आप गांव में मत बेचो, प्रखंड में मत बेचो, जिला में तो 4 जगह बेच सकते हो ना। जो पीने के लायक होगा पिएगा, जो गरीब नहीं पी सकेगा। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने बंगाल चुनाव के ऐलान पर कहा कि आज से ममता बनर्जी की पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। दीदी पैकिंग करें, बुढ़िया बिस्तर बांधे, 10 साल तक बंगाल की जनता को मूर्ख बनाने का काम टीएमसी ने किया। लोकसभा के चुनाव के वक्त ही वहाँ की जनता ने अलार्म बजा दिया था 18 सीट बीजेपी को देकर कि आने वाली सरकार बीजेपी की है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत से लड़ेगी और सरकार बनाएगी और सुनार और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन सहरसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार बनना तय है। वहीं पूर्णिया से लूट और गोलीबारी की घटना लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला रोटा थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार को कुछ अपराधियों ने एक पशु व्यापारी को गोली मारकर 2,77,000 रुपये लूट लिए। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 8-10 राउंड गोली चलाई, जिसमें एक गोली व्यापारी के पेट में लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जख्मी व्यवसायी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल पूर्णिया भेज दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के बामपाली फोरलेन के किनारे 3 दिन से लापता युवक का शव मिला है। वहीं शव मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि लापता युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छानबीन कर रही है। वहीं इस घटना के बाद
मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है। 24 तारीख को 12:30 बजे अंकज नाम का एक लड़का था, वो बुलाया था अपने डेरा पर, ठीक है। उसके बाद से इन लोग का क्या कहानी हुआ और क्या नहीं, इसके बारे में हम नहीं। 25 तारीख को हमने सोचा कि गांव चले गए हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ क्या नहीं, भोर में मैसेज आया 5:00 बजे पर कि 20 लाख रुपया दीजिए तो आपका पति कुछ। और वहीं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आने से एक 8 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बच्ची के शव को सड़क पर रखकर यातायात को बाधित कर दिया। आपको बता दें कि घटना को अंजाम देकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन ग्रामीणों ने ट्रक को कब्जे में लेकर उसे आग के हवाले कर दिया। फिलहाल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूर्णिया में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक और युवती कई महीनों से एक साथ रह रहे थे, मगर जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर पीड़िता ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सब गलत हुआ है, पर इस थाना में एफआईआर करवाए तो थाना ले नहीं रहा था, फिर एसपी सर को आवेदन दिए, वहाँ से 15-20 रोज के बाद एक्शन लिया गया। तो कुछ भी अगर समस्या आप थाना में बोलते हैं तो थाना हमें को डांट देता है, बड़ा बाबू हो जो भी हो, फिर आयोग जो भी हो, उल्टा हमको डांटता है, यहाँ चले जाओ, ये वगैरह कुछ भी डराते रहता है। तो आज घर के सामने आके धमकी दे के चले जाए। बेतिया के कालीबाग ओपी क्षेत्र स्थित उत्पाद विभाग के डिपो में शराब नष्ट करने के दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 3 पुलिस के जवान सहित 4 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जब्त शराब को उत्पाद विभाग की ओर से नष्ट किया जा रहा था, इसी दौरान एक ड्राम में रखे गए शराब में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। विस्फोट में घायल जवानों और मजदूरों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। वहीं एसपी के निर्देश पर पूरे मामले की छानबीन फिलहाल चल रही है। वो ऐसी हो रहा था दारू के नष्टीकरण, उसी में वो ऐसी था क्या बोलता है जो ये पकड़ता है स्पिरिट, उसी में वो आग फोड़ने के बाद आग जलाया जा रहा था, तब तक ड्रम था बस आग पकड़ लिया, उसी में फट गया तो सबको देह पर छींटा पड़ गया, छींटा पड़ने से सबको देह में आग। और वहीं मुजफ्फरपुर में राघोपुर NH57 के पास लोड ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद ट्रक में मौजूद चालक ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। अगली खबर की तरफ, सीतामढ़ी में लगातार हो रहे आपराधिक वारदातों के बाद डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा एक्शन मोड में दिखी। उन्होंने बिना किसी सूचना के जिलावासियों का जायजा लेने देर रात गश्ती पर निकल गई। इस दौरान डीएम ने कई वाहनों की जांच करवाई तो कई वाहनों में बैठे लोगों से खुद पूछताछ भी करती दिखी। आपको बता दें कि डीएम के इस अभियान से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिलाधिकारी के इस तरह के अभियान से लोगों में सुरक्षा को लेकर नई आशा भी जगी है। सीतामढ़ी शहर का पेट्रोलिंग किया है, यही हम लोग की मैसेज है कि किसी भी असामाजिक तत्व को जिला प्रशासन नहीं छोड़ेगा। सभी लोगों से अपील है कि आप सभी सुरक्षित हैं और हम लोग लगातार सजग हैं, यदि कहीं भी किसी को कोई परेशानी भी होती है तो लगातार हम लोग का जिला नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत होता है, आप कोई भी सूचना दे सकते हैं और किसी भी इस तरह के असामाजिक तत्व जो विधि व्यवस्था की समस्या। और वहीं दानापुर में 65वां रेल सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। आपको बता दें कि इस मौके पर अनुमंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार मौजूद रहे। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही भविष्य में अच्छे कार्य करने की सलाह भी दी। हम हर स्तर पर पिछले 1 वर्ष की उपलब्धियों का विश्लेषण भी करते हैं और कल की तैयारी का भी लेखा-जोखा करते हैं। तथापि जैसे कि आप सबको मालूम है कि विश्वव्यापी कोरोना संकट के दौरान बढ़ते जा रहे एहतियातों के कारण
यह पावन अवसर कुछ विलंब से प्रारंभ हो सका। जो यह वर्ष पिछले वर्ष में होना था, इन्हीं कारण से यह वर्ष में आज के दिन में यह हम 65वें रेल सप्ताह समारोह मनाने का। बगहा में पूर्व मध्य रेलवे के जीएम एलसी त्रिवेदी ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन मास्टर ने जीएम एलसी त्रिवेदी को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान वाल्मीकि नगर स्टेशन पर चल रहे भवन निर्माण कार्य, रेल ओवरब्रिज आदि कार्यों का जायजा भी लिया गया। और वहीं कैमूर में कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए अब स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने की बात कही जा रही है। 1 मार्च से बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा, जिसके लिए अब कैमूर के स्कूलों में साफ सफाई के साथ सैनिटाइजर, साबुन, मास्क की व्यवस्था की जा रही है। COVID-19 का जो सरकार से निर्देश प्राप्त है हम लोग को, उसके अनुसार 50% बच्चों को स्कूल बुलाना है। सभी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हम लोग बताए हुए हैं। सभी बच्चे मास्क लगा कर आ रहे हैं और सैनिटाइजर है, पानी जहाँ है वहाँ पर साबुन रखा हुआ है, जिसका वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। और उन लोग को बार बार हम लोग हिदायत भी दे रहे हैं, और बच्चे अब समझ गए हैं, क्योंकि 8 तारीख से स्कूल खुला हुआ है तो समझ गए हैं कि। बोधगया में पत्रकारिता लोक प्रशासन विभाग ने विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। मुख्य अतिथि के रूप में सभी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी मौजूद रहे। वहीं आयोजन में पत्रकारिता पर खास तौर पर चर्चा की गई। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे रांची के रिम्स में जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए नियुक्ति का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। सीनियर रेजिडेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले गए हैं। आपको बता दें कि रांची में स्थित रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। वहीं मुंगेर में चंडिका मंदिर में माता के दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इसके पूर्व और पश्चिम में शमशान है, इसीलिए इसे शमशान के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्र के दौरान कई साधक तंत्र सिद्धि के लिए यहां जमा होते हैं। इस स्थल पर माता सती की बाई आंख गिरी थी। यहाँ आंखों से असाध्य रोग से पीड़ित लोग पूजा करने आते हैं और यहाँ से काजल लेकर जाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मैं ऋतिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार नमस्कार।